कुछ साल पहले जब कुछ लोग मिलकर इस पार्टी को बनाने की बात किए, पार्टी को बनाए, तो सब हंसते थे, कहते थे कि ये पार्टी ऐसी थोड़ी चलती है, ऐसे थोड़ी बनती है, ऐसे कोई थोड़ी ना जीत जाता है। आपको याद है जब आप टोपी पहन के निकलते थे, पटके लगा के निकलते थे, तो लोग हंसते थे आप पे कि ये देखो ये झाड़ू वाले आ गए। गलत तो नहीं कह रहा मैं, आपने वो दिन भी देखे जब आप पर लोग हंसते थे जब आप रोड में निकलते थे। फिर उसके बाद धीरे 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 करके 10 साल में आपकी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी भी बनी है, 2 राज्यों में आपकी सरकार है, गुजरात में 5 एमएलए हैं, 41 लाख लोगों ने वोट दिया, गोवा में 2 एमएलए हैं, मध्य प्रदेश में मेयर है, और पूरे देश में न जाने कितने जगहों पर आपके पार्षद आपके काउंसलर जीते हुए हैं। 10 साल में ये जो भी आदमी राजनीति को नजदीक से देखता है, एक काउंसलर का एक पार्षद का चुनाव जीतना मुश्किल होता है। ऐसे में अगर 2 राज्यों में आप सरकार बनाए हो और ये जिस तरीके से आपकी पार्टी फैली है, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये जब तक परमात्मा की मर्जी नहीं होती ये पार्टी इतनी आगे नहीं बढ़ सकती थी।